আমার বৈশ্যদা হর ঘর তিরঙ্গা বৈশ্যদা ইয়াত কেউ আছে কই দিয়ক একবার কেউ আছে কই দিয়ক কেউ আছে ইয়াতে আচ্ছা আজি আইছো আমি যে অমৃত আজারিকা অমৃত মহোৎসব শুভ অবসর পর আমি আজি কেন্দুকোনা জওহরলাল নেহরু হাই সেকেন্ডারি স্কুলের পরা আমি সাতটি সার স্কুল আমি একটা সাইকেল র্যালি আর বাইক র্যালি আয়োজন করেছো আর এই উপলক্ষে আমি স্কুলের বাচ্চাবিলাক ঝান্ডা বিতরণ করেছো যাতে ঘর ঘর ঝান্ডা হিনিষ্ট্রি অফ হোম এফেয়ার্স কা মতো হয় পুরা হো সকে ওকে থ্যাংক ইউ अभी भी आप एक कहने के लिए बनाते हैं तो इसी अनुपात में बनाए अगर 30 सेंटीमीटर का लेते हैं माता जी
हमारे जो भी कराए सर संध्या सर सर आपकी रिक्वेस्ट करना की होगी छात्रों को झंडा रखने का। सबसे अच्छी जगह पर जो ऊंचा घर है वो वहां पर लगाए जैसा कि अभी हम लोग पहुंच गए हैं सास पब्लिक सुरंगिया में आजादी का अमृत महोत्सव हर घर झंडा में। अभी हम लोग इधर स्कूल में झंडा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ गए। अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग का प्रोग्राम। ओके सो एज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कमांडिंग सर एसएसपी हेडक्वार्टर रंगिया दीपक सिंह सर टू स्पीक फ्यू लाइंस। थैंक यू। रेस्पेक्टेड श्री हिमांशु शर्मा जी चर्च स्कूल के प्रधान अध्यापक, यहाँ पे मौजूद स्कूल के सभी अध्यापक अध्यापिका गण और प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन पूरे देश में चल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का तात्पर्य यह है कि इस साल हमारे देश ने अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। उसके उपलक्ष्य में भारत सरकार का इस साल का एम ये रहा है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए। तो इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने हमारा जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया था उसमें कुछ संशोधन किए और उस संशोधन के बाद अब हमारे सभी देश के परिवार हर घर में अपना झंडा दिन और रात फहरा सकते हैं और भारत माता को आज़ादी हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके प्रयासों को आप लोग अपने घर में झंडा फहरा के सलामी दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल 15 अगस्त पर आप सभी अपने घरों में देश को सलामी देने के लिए भारत का जो हमारा देश का जो झंडा है इसको फहराएंगे और अपने देश को हम नमन करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। एक बार फिर आप सभी को जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से कहेंगे भारत माता की।